रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से दोस्तों। सारे लोगों को मतलब ये कहना है, जो सर आपने सारा चीज का वीडियो डाल दिया, बट जो सबसे डिफिकल्ट चीज है, इसका जो बोनस प्लान है, वो सर मुझे समझ में नहीं आती है। मतलब आप समझ रहे हो, जो इसका जो बोनस प्लान थोड़ा सा अलग डिजाइन किया गया है और डिफरेंट है। अदर मतलब जो बिजनेस प्लान आते हैं, बोनस प्लान, उससे कुछ अलग है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो किस तरह से आप अपना मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे अपना रेफरल मतलब स्ट्रक्चर को मतलब इस तरह से मतलब सजा सकते हैं जिससे आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली मतलब ठीक ढंग से चल पाए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके इस बिजनेस प्लान में, क्योंकि यहाँ पे लेवल अचीवमेंट ही आपका रियल इनकम है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी फॉरगेट मत करें और पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो आप अगर देख लोगे तो मुझे नहीं लगता जो आपको किसी तरह से किसी को भी किसी भी चीज को पूछने की जरूरत पड़ेगी स्काई पे बोनस प्लान के बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, लाइक कर ले जरूर, और अपने डाउनलाइन वाले को भी बता दे, क्योंकि मैं उनको साथ जो बोनस प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, ये रियल में आपको एक अमेजिंग मतलब अनुभव देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एज अ नेटवर्कर मैं अभी बता रहा हूँ, इन्वेस्टर के रूप में अगर आप आते हो तो डिपेंड ऑन यू, आपको जितना चाहो उतना इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब आप एज अ नेटवर्कर आते हो तो आप यहाँ पे लेवल अचीवमेंट की दृष्टि से लेते हैं एज अ नेटवर्कर के, ठीक है। तो $200 से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। $200 इसका मिनिमम मतलब लेवल अचीवमेंट के लिए मिनिमम होना ही चाहिए $200, ठीक है। अगर आप $100 का स्टार्ट करते हो तो कोई बात नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो, $50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट लेवल अचीवमेंट के लिए आपका मिनिमम पर्सनल इन्वेस्टमेंट $200 होना ही चाहिए, ठीक है। सपोज आपने $200 से स्टार्ट कर दिया इसका, ठीक है, बोनस प्लान $200 से आपने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप $200 से स्टार्ट करते हैं, वैसे आप स्टार्ट करो या ना करो, विदाउट आप अपना मतलब एनी इन्वेस्टमेंट, आप जो इसमें एक आता है मतलब लिंक एक्टिवेट करने के लिए कंपनी का ओनरशिप बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए, उस पर जब आप पार्टनर कंपनी का बन जाते हो ना, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट का जब आपके डाउन में भी स्ट्रक्चर डेवलप होती है तो भी आपको 3 लेवल से इनकम आता है, ठीक है। मतलब विदाउट आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ये इसमें आईटी एक्टिव होने की कोई झंझट नहीं है, आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट 3 लेवल से इनकम उठा सकते हो, 8, 7 और 3%, ठीक है। लेकिन जब $200 भी आप लगा देते हो तो यहाँ पे भी आपको 8, 7 और 3% ही मिलेंगे। लेकिन इसमें ये फायदा आपका एक है, जो आपका अगला लेवल जो आएगा, एजेंट लेवल आता है इसके बाद, उसमें आप मतलब उसको अचीवमेंट करने के लिए आप अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसको फुलफिल कर चुके हो। सपोज आपने अपने आईडी से दो बंदे को $200 $200 से इनवाइट किया, ठीक है, पार्टनर बनने के बाद, ठीक है, $200 $200 से आपने इनवाइट किया, तो ये $200 $200 जैसे ही बना तो आपका जो ये लेवल है ये चला जाता है एजेंट पे, ये लेवल एजेंट बन जाता है। ध्यान रखिएगा यही एजेंट, ये सेम स्ट्रक्चर 4 आएगा आपके डाउन में, ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करते हैं। आप बन जाते हैं कंपनी में एजेंट, मतलब आपका लेवल जो है वो इंक्रीज करके एजेंट पे चला जाता है। ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, आप 2 और 3 3 4 लेवल तक आप ध्यान दे दीजिए, बाकी का लेवल आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, माइंड में ही आपका उतर जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जो आप मतलब उस टाइप से मैं बताऊं, और बीच में कुछ ऐसा चीज भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा अगर मैं खुद का लेवल अचीवमेंट में मिस करता हूं और मेरे डाउनलाइन वाला अगर वो चीज पूरा कर लेता है तो फिर हमको क्या मतलब लॉस होगा, वो भी मैं चर्चा करूंगा लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो आप भूलिएगा मत, ठीक है। आप बन जाते हैं एजेंट, एजेंट के बाद आता है कंसल्टेंट का मतलब लेवल। कंसल्टेंट बनने के लिए देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, कंसल्टेंट बनने के लिए आपका पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपको होना चाहिए $500 का। यहाँ पे जो $200 है इसको $500 आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको $500 करना पड़ रहा है, लेकिन मैं एज अ नेटवर्कर एक एडवाइस दूंगा, क्योंकि हम लोगों का एक मेन मकसद होता है जो ज्यादा से ज्यादा आईपीओ कलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको $200 में 6,000 आईपीओ मिल जाता है, पाइप्स 6,000 पाइप्स मिल जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे $50 बढ़ा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8,250 पाइप्स मिल जाएंगे, यानी आईपीओ 8,250 मिल जाएंगे सिर्फ $50 इंक्रीज करने पर। $200 में आपको 6,000 मिलते हैं, लेकिन $50 इंक्रीज करते हो तो 2,500 ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए फायदा क्या होगा, आप 2,500 अगर स्टार्टिंग में ही लगा देते तो 2,500 ही आपको यहाँ पे लगाना पड़ता, क्योंकि आपको तो अगला लेवल ही अचीवमेंट करनी है ताकि आप मतलब आगे लेवल इनकम ले सके, और आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट $500 पूरा करना ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं मतलब एक एडवाइसेस दूंगा, जो आप $250 से स्टार्ट करो, ये बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। $500 आपको जरूरी है कंसल्टेंट बनने के लिए। कंसल्टेंट बनने के लिए आपके डाउन में चार, पहले तो एजेंट होना चाहिए, ठीक है, चार एजेंट होना चाहिए। चार एजेंट का मतलब वही जो आपका 200 का होना चाहिए, और पर्सनल में $200 का आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपका 200 200 $200 का ये हुआ, चार आईडी आप देख रहे हो, चार यहाँ पे हो गया। देखिए, एक एजेंट वहां पे आ गया, $200 का उसका है, और डाउन में $200 का है। ये एजेंट दो हो गया, और ये तीसरा एजेंट, और ये चौथा एजेंट। देखिए, जैसे ये चौथा एजेंट हुआ, आपका जो लेवल है वो इंक्रीज कर गया है, आप क्या बन गए, कंसल्टेंट बन गए। अगर यहाँ पे आपका $499 भी होती तो आप अभी एजेंट पे ही रह जाते, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से आपका एक्चुअल इनकम स्टार्ट होगा। पहले मैं आपको पार्टनर लेवल और एजेंट लेवल का भी लेवल का बारे में इनकम बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कैसे हम ज्यादा इनकम लेवल अचीवमेंट से उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप पार्टनर बनते हो कंपनी में, बोनस इनकम में मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट लेवल 8% आ रहा है, सेकेंड लेवल आपको 7%, और थर्ड लेवल आपको 3% आ रहा है, क्लियर है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर लेवल पे ही मिलेगा, ये पार्टनर लेवल के ही लिए है ओनली, ठीक है। अब देखिए, जब आप एजेंट बनते हो तो आपको चार लेवल से इनकम आती है, ठीक है। चार लेवल से इनकम क्या आती है आप देख सकते हो। पहला लेवल 8%, दूसरा लेवल 7%, तीसरा लेवल आपको जो है 5%, और चौथा लेवल आपको 4%, ठीक है। ये आपको ओनली फोर एजेंट लेवल के लिए है। एजेंट लेवल अगर आपको, तो आपको ये चीज मिलेगा। इससे ज्यादा आपके डाउन में कितना भी आईडी लगे, आपको इनकम आपको नहीं मिलेगा, वो प्लेस आउट हो जाएगा आपका इनकम। तो अब देखिए, कंसल्टेंट होने का एक फायदा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, कंसल्टेंट होने का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जैसे आप कंसल्टेंट बने हो, ठीक है, बराबर, जैसे आप कंसल्टेंट बने हो, आपके डाउन में चार एजेंट खड़े हैं, तो जैसे आपने कंसल्टेंट बना, जैसे आपका $500 का हुआ पर्सनल, ठीक है, ये $500 का हो गया, और आपके डाउन में चार एजेंट आए, ये चार एजेंट आपके डाउन में आ गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो ये जो एजेंट बना है, इसका तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट $500 का करवाना ही पड़ेगा, सारे का सारा, सारा का सारा, ठीक है। और मतलब आप इसके मतलब आप एजेंट भी थे, फिर भी आपने अपने चार डाउन में चार एजेंट किए, तब कंसल्टेंट बने। तो जो कंसल्टेंट है उसके उसको भी अपने डाउन में चार मतलब कंसल्टेंट खड़ा करना पड़ेगा, मतलब एजेंट के भी डाउन में चार एजेंट खड़ा करना पड़ेगा कंसल्टेंट के लिए। आगे देखते हैं हम, ठीक है, सब क्लियर मैं कर रहा हूँ। मेरा प्रयास यही रहेगा जो आपका कोई भी मतलब जो सस्पिशन हो, थोड़ा सा भी ना बचे, मैं सब चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका रियल इनकम कैसे स्टार्ट होता है। अगर आप कंसल्टेंट लेवल पे हो, ठीक है, तो आपको जो लेवल है डायरेक्ट से 8% आएगा, सेकेंड लेवल 7% आएगा, थर्ड लेवल 5%, और फोर्थ लेवल 4% आएगा, ठीक है। यहां तक आपका सेम चीज मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये आपका कभी चेंज नहीं होने वाला है। सॉरी, एक लेवल और आपको आएगा, पांच लेवल से यहाँ पर तक इनकम आपको आएगा, ठीक है, पांच लेवल से इनकम आएगा। और अब ध्यान रखिएगा, ये चीज अब कभी चेंज नहीं होने वाला है आपका, चाहे आपके डाउन में चाहे जितना भी लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब चीज चेंज हो सकता है। अब आपका जो चेंज होगा वो सिक्स टू इनफाइनाइट लेवल चेक, सिक्स टू इनफाइनाइट लेवल चेक चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, देखिए, अब सिक्स से जो आपका इनफाइनाइट लेवल है उसमें क्या आपका प्रॉफिट है। देखिए, जब आप कंसल्टेंट बन जाते हो तो आपका जो लेवल इनकम है वो ओपन कर दिया जाता है इनफाइनाइट लेवल तक। कंसल्टेंट बनने के बाद आपका अगर 50,000 का टीम है, अगर आप कंसल्टेंट हो, फिर भी जो 49,958, ठीक है, लेवल में जाके कोई बंदा लगता है, फिर भी आपको उसके डाउन मतलब उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट से 1.5% मिलेगा, ठीक है। मतलब किसी भी लेवल में लग जाए, 1.5% आपका बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप कंसल्टेंट बनने के लिए चार एजेंट खड़ा किए थे, तो आप कंसल्टेंट हो और आपके डाउन में जो एजेंट बना है, अगर वो भी पहला बंदा एजेंट बन जाता है, जो एजेंट है वो पहला बंदा वो कंसल्टेंट बन जाता है, तो आपका लेवल इनकम देखिए, यहाँ छठा से जो लेकर है सिक्स लेवल से लेकर इनफाइनाइट लेवल तक आपको एक कंसल्टेंट पर 2% आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर जो बंदा एजेंट था, अगर वो आप बन जाता है कंसल्टेंट, तो आपको 2.2% आ जाएगा, ये चीज गौर कीजिएगा। थर्ड जो बंदा है, अगर वो कंसल्टेंट बनता है, तो आपको 2.6% आ जाएगा। और जैसे ही आपका चौथा बंदा कंसल्टेंट बन जाता है, तो आपको 3% आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है।
और आपका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, यानी आप मैनेजर लेवल पे चले जाते हो। अब देखिए मैनेजर लेवल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मैं मैनेजर लेवल पे आप चर्चा करता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों दो तीन लेवल चार लेवल तक मैं जो बता रहा हूँ, मैं बीच में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको ठीक है मतलब रियल इनकम का एहसास कराएगा, आप उसको मिस ही नहीं कर पाओगे ठीक है। तो देखिए अब मैनेजर लेवल का मैं बात करता हूँ ठीक है। मैनेजर लेवल के लिए आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट $1000 का होना चाहिए। कंसल्टेंट के लिए 500 था, मैनेजर के लिए आपको $1000 का होना चाहिए। मैनेजर बनने के लिए मैं आपको बताया था एक कंसल्टेंट नहीं चार कंसल्टेंट आपको चाहिए, जिसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $500 का हो और जो कंसल्टेंट है उसके डाउन में ठीक है उसके डाउन में क्या चाहिए तो चार एजेंट चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं चार एजेंट को दर्शा दे रहा हूं। ये आपका हो गया फर्स्ट एजेंट, ये आपका हो गया सेकेंड एजेंट, ये आपका हो गया थर्ड एजेंट और ये फोर्थ एजेंट हो गया। देखिए फोर्थ एजेंट हुआ आपका कंसल्टेंट हो ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंसल्टेंट हुआ, ये आपका लीजिए $500 का हुआ, ये आपका सेकेंड कंसल्टेंट हुआ, इसके डाउन में चार एजेंट चाहिए तो चार एजेंट लीजिए, चार एजेंट ये आ गया, चार एजेंट के डाउन में आठ पार्टनर चाहिए वो मैं बताता हूँ ठीक है। ये देखिए ये इसको भी कंसल्टेंट बनना जरूरी है जब आप मैनेजर हो तो ठीक है, ये भी कंसल्टेंट होना ही चाहिए इसको ठीक है, ये भी कंसल्टेंट है। जब मैनेजर ही हो आप तो चार कंसल्टेंट बना है तभी आप मैनेजर बने हो ठीक है, ये भी क्लियर ही है। देखिए अब ये जितना भी मतलब एजेंट है इसके डाउन में 24 टोटल पार्टनर होती है। कैसे, क्योंकि आप यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, खुद से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ये यहाँ पे देखिए ये कितना आपका जाता है, कितना बंदा है, ये आठ बंदा हुआ, आठ गुना तीन चौबीस ठीक है, 24 पार्टनर आपका होना चाहिए ठीक है। ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 24 पार्टनर आपका होना ही चाहिए यहाँ पे, तब जाके आप मतलब बन जाते हो मैनेजर। ध्यान रखिएगा चार कंसल्टेंट आपके डायरेक्ट से होना चाहिए। देखिए अब डायरेक्ट से बोलने पे एक बात याद आया, सपोज आपका टीम जो चार लेग चल रहा है ए बी सी डी ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जो मेरा जो ए बी हो या बी सी हो या सी डी हो या सी ए सी हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दो जो फ्रंट लेग है वो आपका डायरेक्ट से अटैच होना चाहिए ठीक है। जैसे ए बी आपका डायरेक्ट से है ठीक है, ए बी डायरेक्ट से है, ए बी ए और बी कंसल्टेंट बना, ए और बी आपसे डायरेक्ट से है कंसल्टेंट बना, वो आप में काउंट हो गया। सी और डी किसी वजह से कंसल्टेंट नहीं बन पा रहा है ठीक है, जो आपके डायरेक्ट से है सी और डी कंसल्टेंट नहीं बन पा रहा है, लेकिन सी और डी के डाउन में जो बंदा लगा हुआ है अगर वो कंसल्टेंट बन जाता है तो आप में वो काउंट हो जाएगा। यानी फ्रंट से दो लेग ठीक है, फ्रंट से दो लेग ले रहा है और डेप्थ से दो लेग ले रहा है, तो आप ये निश्चिंत होकर रहिएगा जो आपका दो लेग है वो आपके फ्रंट से होना चाहिए और दो लेग मतलब डेप्थ से भी होगा तो वो भी काउंट आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं ये भूल रहा था जो अभी बात पे याद आ गया मैं आपको बता दिया, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका मैं अब लेवल इनकम पे बात करता हूँ, इसका क्या लेवल इनकम मतलब है। मैनेजर लेवल के लिए आपको जो मैं बताया था आठ सात पांच चार और तीन ये सेम रहेगा, 1-5 लेवल आपका जो लेवल इनकम है ये सेम रहेगा, जो भी चेंजेज आएंगे 6-infinite लेवल पे। देखिए वहां पे जब आपके डाउन में जब कंसल्टेंट थे आपके डाउन में जब चार मैंने मतलब कंसल्टेंट आया था तो आपको 3% मिलना स्टार्ट हो गया था ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3% तो आपका फिक्स है, मैनेजर जब आपको तो 3% तो आपका फिक्स ही है। अब जैसे ही आपके डाउन में जो कंसल्टेंट बना है अगर वो भी अपना लेवल मैनेजर पे ले जाए ले के चला गया, यानी एक मैनेजर आपके डाउन में आ गया, एक मैनेजर जैसे ही आपके डाउन में आता है आपका जो लेवल इनकम है 3% जो था अब वो 3.2% हो जाता है। जब दो मैनेजर आते हैं यहाँ पे तो आपका 3.5%, थ्री मैनेजर पे 3.8% और जो जैसे ही चौथा मैनेजर आपके डाउन में बनता है यानी आपका जो खुद का लेवल है वो लीडर मैनेजर पे चला जाता है और आपका जो लेवल इनकम है वो 4% आना स्टार्ट हो जाता है छठा लेवल से इनफाइनाइट लेवल पे ठीक है। छठा लेवल पे से इनफाइनाइट लेवल पे दोस्तों आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, अदर प्लान और इस प्लान में क्या फर्क है। अदर प्लान में आपका जैसे आप अपना लेवल अचीवमेंट करते हो आपका लेवल कम होते जाता है, लेवल इनकम से कम आते जाता है, मतलब जैसे 10 लेवल के बाद 0.001 0.00001 ऐसे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जब आपका लेवल बढ़ता है उसके बाद आपका जो इनफाइनाइट लेवल तक का इनकम है वो कैसे बढ़ मतलब भाग रहा है कैसे, आप इस चीज को देखो ठीक है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ लीडर मैनेजर पे आपको लेके, लीडर मैनेजर के बनने के लिए आपका पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है
वो $2,000 का होना चाहिए, तब जाके ही आप लीडर मैनेजर बन पाओगे। ठीक है, लीडर मैनेजर के डाउन में कितना मैनेजर चाहिए, तो जो चार कंसल्टेंट बने थे उसी वही तो चार कंसल्टेंट थे उसी ने ही मैनेजर बना था, तो चार मैनेजर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो आप भी जानते हो, चार मैनेजर, दो फ्रंट से दो डेप से, चार मैनेजर के नीचे चार कंसल्टेंट भी होना चाहिए, ये भी क्लियर ही होगा। चार कंसल्टेंट के नीचे चार एजेंट होना चाहिए, ये भी क्लियर ही होगा। हम थोड़ा इसको स्पीड बता रहे हैं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ और ये आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, चार कंसल्टेंट के नीचे मतलब चार एजेंट के नीचे जो आठ पार्टनर है वो आठ पार्टनर होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, सबका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $2,000, लीडर मैनेजर मैनेजर के लिए $1,000, कंसल्टेंट के लिए $500 और एजेंट के लिए $200, पार्टनर के लिए भी $200 जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका लेवल इनकम हम देखते हैं, लेवल इनकम क्या है इसका। जो लेवल इनकम है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1-5 लेवल जो है इसका सेम इनकम आएगा, 8, 7, 5 और 3। देखिए अब लेवल इनकम में कैसे चेंज होते हैं, जो 4% भी आपने जाके छोड़ा था अब यही 4-5% हो जाता है। यानी जो लीडर मैनेजर बनने के बाद चार लेवल मतलब छठा लेवल से लेकर इनफाइनाइट लेवल तक आपको 4% आ रही थी, अब वो क्या होगा, जो मैनेजर आपके डाउन में चार है, अगर चार मैनेजर में से फर्स्ट मैनेजर जब आपको मतलब फॉलो करता है, आप जो अभी लीडर मैनेजर हो वो भी लीडर मैनेजर बनता है, तो आपका लेवल क्या हो जाता है, 4.2%। सेकेंड जो मैनेजर है वो अगर लीडर मैनेजर बनता है तो 4.5%। थर्ड जो मैनेजर है अगर वो लीडर मैनेजर बनता है तो 4.8%। और जो फोर्थ मैनेजर जो था वो लीडर मैनेजर बन जाता है तो आपका लेव चार का चार मतलब लीडर मैनेजर भी हो जाता है और आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और आपका लेवल चला जाता है टॉप मैनेजर पे, और टॉप मैनेजर पे जाते ही आपका लेवल इनकम 5% छू देता है। देखिए दोस्तों 5% छू देता है, यानी अगर वो 10,000वां लेवल है या 50,000वां लेवल है, 50वां लेवल है, कोई मैटर नहीं रखता है, $250 इन्वेस्टमेंट करे, $200 इन्वेस्टमेंट करे, उसका 5% आपको डेफिनेट ही आएगा आउट ऑफ मतलब 6 लेवल से लेकर इनफाइनाइट लेवल तक। तो देख लीजिए ये क्या यूनिकनेस है, और आगे मतलब दो स्टेप आगे मैं बताऊंगा अगर आप पीछे रह जाते हो तो क्या होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ, तब तक के लिए मैं चलता हूँ आपको टॉप मैनेजर पे लेके लिए चलता हूँ। टॉप मैनेजर के लिए चलिए टॉप मैनेजर पे चलते हैं अभी हम आपके साथ। टॉप मैनेजर के लिए आपको करना क्या है, टॉप मैनेजर में आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट दोस्तों $3,500 का होना चाहिए, टॉप मैनेजर के लिए $3,500 का। टॉप मैनेजर आप तभी बनोगे जब आपके डाउन में चार लीडर मैनेजर आएगा, लीडर चार जो लीडर मैनेजर है, जो लीडर मैनेजर तभी बनेगा जब उसके डाउन में चार मैनेजर रहेंगे, जब चार मैनेजर जो बने हैं उसके डाउन में चार कंसल्टेंट होना जरूरी ही है, और जो चार कंसल्टेंट है उसके डाउन में चार चार एजेंट होना भी जरूरी है, और जो चार एजेंट है उसके डाउन में आठ पार्टनर होना जरूरी है। तो इसका भी हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं लेवल इनकम, 1-5 लेवल आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ कि नहीं समझता हूँ, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। ये 6-2 इन्फाइनाइट लेवल पे, 6-2 इन्फाइनाइट लेवल पे देखिए 5% दिखा रहा है ना। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे जब आप टॉप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है, टॉप मैनेजर जब आप बन जाते हो, टॉप मैनेजर बनते ही आपको जो छठा लेवल से इनफाइनाइट लेवल तक का इनकम है वो चला जाता है 5% पे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कैसे आपका जो लेवल है वो देखिएगा, वो फर्स्ट लेवल तक अटैच कर देगा, 8% तक अटैच कर देगा। तो देखिए आपके डाउन में जो टॉप मैनेजर आप बन गए, आपके डाउन में फर्स्ट टॉप मैनेजर आएगा तो 5.2, सेकेंड टॉप मैनेजर पे 5.5, थर्ड टॉप मैनेजर पे 5.8, और जैसे ही फोर्थ टॉप मैनेजर आपके डाउन में आता है तो आपका जो लेवल है वो बढ़ भी जाता है एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट का, और आपको 6% आना स्टार्ट हो जाता है छठा लेवल से लेकर इनफाइनाइट लेवल तक। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है जो आप इस चीज को पूरा अच्छा से समझ पा रहे होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है जो कोई कंफ्यूजन आपके पास रह जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं, जो आप अगर एक चीज का चर्चा करते हैं, अगर सपोज आपने अभी कंसल्टेंट लेवल है, अगर आपके डाउन में मैं हूं, अगर मैं आपके डाउन में आप कंसल्टेंट हो और मैं मैनेजर बन गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अगर आप कंसल्टेंट हो और मैं मैनेजर बन गया तो आप ध्यान दीजिए इस बात का, आपको ये ध्यान रखिएगा जो हम लेवल लेके चल रहे हैं दोस्तों, इसमें जो मेरा जो पार्ट मतलब डाउन में लोग हैं वो भी लेवल अचीवमेंट करते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा जो मैं उससे पीछे रहूं, क्योंकि जब भी वो आपको पीछे छोड़ेगा आप निश्चिंत रहें,
ठीक है, आप निश्चिंत रहें, जब भी वो आपको पीछे छोड़ेगा उस लेग से, उस पार्टिकुलर लेग से आपका इनकम आना मतलब बहुत कम हो जाएगा, मतलब मान लीजिए बंद हो जाएगा, ठीक है बंद हो जाएगा, मेरे हिसाब से बंद हो जाएगा, लेकिन आता है इनकम बहुत कम इनकम आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपके डाउन में अभी आप कंसल्टेंट हो, अगर वो मैनेजर बन गया तो उस डाउन मतलब उस लेवल उस लेग से आपको इनकम थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूंगा, जो आप कभी ऐसा नहीं, कोई भी लोग ऐसा नहीं चाहेंगे जो मेरे इस लेवल से मतलब मेरे ऐसे जो मैं मेरे डाउन में है जो मैं उससे पीछे रहूं, ठीक है। तो ऐसा आप कोशिश रखेंगे जो मेरे डाउनलाइन में जो लोग भी हैं उनको भी मतलब मतलब उनके साथ मैं भी चलूं, अगर वो अच्छा काम करें तो वो मेहनत करें तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं पीछे ना रहूं, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं मैनेजर अगर अभी आप कंसल्टेंट ही हो, अगर वो मैनेजर बन जाता है तो लेवल इनकम कम हो जाता है। चलिए हम आप बात करते हैं आपको एडवाइजर और प्रेसिडेंट का, इसका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों ये $8,000 का होना चाहिए। फिर उसमें इसके डाउन में टॉप मैनेजर होना चाहिए 4, जिसका $3,500। टॉप मैनेजर के डाउन में लीडर मैनेजर होना चाहिए 4, जिसका $2,000। लीडर मैनेजर के डाउन में 4 मैनेजर होना चाहिए जिनका $1,000। और 4 मैनेजर के डाउन में इसका होना चाहिए 4 कंसल्टेंट जिसका $500। और 4 कंसल्टेंट के नीचे होना चाहिए 4 एजेंट जिसका $200। और जो 4 एजेंट बना है उसके नीचे होना चाहिए 8 पार्टनर जिसका $200 हो। चलिए इसका बोनस प्लान देख लेते हैं, जो 1-5 है वो सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है 1-5 सेम रहेगा। उसके बाद देख लीजिए, अब 6-6 to infinite लेवल है जो वो 6%, ठीक है 6% आएगा, मैं एक भूल गया यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो जैसे ही आपके राउंड में एक मतलब वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है 6.2%, दो पे 6.5%, थ्री पे 6.8% और थर्ड पे जैसे ही फोर्थ हो जाता है तो फोर्थ पे आपको आना मतलब आपको मतलब प्रेसिडेंट बन जाते हो और आपको मतलब 7% आना स्टार्ट होता है, छठा लेवल से लेकर इनफाइनाइट लेवल तक 7% दोस्तों, बहुत ही ऑसम इनकम है। आप सोच सकते हो आपका छठा लेवल के बाद अगर 5 लेवल चल रहा है, 5 लेग आपका चल रहा है, 4 लेग चल रहा है और उसके 4 लेग में भी आपका छठा लेवल, तो सोच सकते हो कितना बड़ा टीम होगा और उस बड़े टीम से आपको 7% पर मतलब पर्सन आएगा आउट ऑफ 6 लेवल। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो आप मैं तो चाहूंगा जो कोई भी बंदा अपना लेवल वो मिस ना करे भाई, उसको पूरा करें ही करें, क्योंकि जब रियल इनकम यहाँ से उठाना है तो मैं छोड़ूंगा क्यों भाई, मेहनत तो करना ही है सारे लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम अगला मतलब जो लास्ट जो लेवल है इसका, इसके लिए इसका लास्ट लेवल है प्रेसिडेंट लेवल का, चलो उस पर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। प्रेसिडेंट लेवल के लिए वही आपके डाउन में प्रेसिडेंट जब आप बनते हो तो आपके डाउन में 4 वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए $8,000 का, प्रेसिडेंट के लिए आपको $26,000 पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। 4 प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट के नीचे 4 टॉप मैनेजर होना चाहिए, 4 टॉप मैनेजर के नीचे 4 लीडर मैनेजर होना चाहिए पर्सनल $2,000 के साथ, मैं उसमें अटैच करके लिखा हूँ तो नहीं भी बोलूंगा तो सब लोग समझ लेना, ठीक है। तो 4 लीडर मैनेजर के डाउन में 4 मैनेजर होना चाहिए, 4 मैनेजर के डाउन में 4 कंसल्टेंट होनी चाहिए, 4 कंसल्टेंट के डाउन में 4 एजेंट होनी चाहिए, 4 एजेंट के डाउन में 8 पार्टनर होना चाहिए, तब जाके आप बन जाते हो कंपनी में प्रेसिडेंट, यानी कंपनी का सबसे टॉप लेवल प्रेसिडेंट। अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेसिडेंट लेवल का पोस्ट जो है वही खाली पड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो प्रेसिडेंट लेवल का पोस्ट अचीवमेंट किया हो। वाइस प्रेसिडेंट अभी तक 1% ही अचीवमेंट हुए हैं और टॉप मैनेजर शायद 10 के आसपास हैं और 20 के आसपास लीड मैनेजर हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका लेवल इनकम देख लीजिए, लेवल इनकम क्या है वही है लेवल इनकम 1-5 क्या है 8-7-5, ठीक है 4-3 ऐसे ही है, ठीक है ना। और देखिए जब ऐसे ही आपके डाउन में एक प्रेसिडेंट आता है आपका 7.2, 2% दो प्रेसिडेंट आता है 7.5, 3% आता है 7.8 और जैसे ही 4 प्रेसिडेंट आ जाता है आपके डाउन में आपका 8% इनकम स्टार्ट हो जाता है, यानी आपके छठा लेवल में कोई बंदा अगर लग रहा है आप अगर आपका लेवल प्रेसिडेंट का है तो आपको 8% आएगा, लेकिन अगर वो बंदा पचवा लेवल में है, अगर आप प्रेसिडेंट भी हो तो आपको 3% ही मिलेगा, लेकिन वही छठा लेवल में है तो आपको 8% मिलेगा, ठीक है। छठा लेवल में हो, सातवां लेवल में हो, हजारवां लेवल में हो, कोई मायने नहीं रखता, आपको 8% मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी बोनस प्लान थी जो मैंने आपके सामने टूटी फूटी भाषा में रखने का कोशिश किया, ताकि आप लोग अपने मतलब जो टीम है जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छा से संभाल पाओ। तो दोस्तों अगर यहाँ पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, जो मुझे ऐसा से ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9525869499 पे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो या
आपको लगे जो मुझसे कुछ विषय पे बात करनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे बात कर सकते हो। और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक अंगूठा जरूर दिखा दीजिएगा, और अपने उन लीडर को दे जिनको बोनस प्लान समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एक बार उनको जरूर दिखाएं और वो समझ जाएंगे, तो समझ लीजिए जो आपको उनको फिर दोबारा मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग ये वीडियो अच्छा से समझे होंगे, और आपसे एक और उम्मीद है जो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मींस से आने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।